हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अब्दुल बारी एनिमाज़र। दोस्तों, आपने दुनिया में महंगी महंगी कार्स के बारे में तो सुना ही होगा, गोल्ड और डायमंड के बारे में भी सुना ही होगा। तो दोस्तों, यानी आपने कभी एक्सपेंसिव फ्रूट्स के बारे में सुना है? यह दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में मैं आपको 10 महंगे तरीन फलों के बारे में बताऊंगा। मेरी आज की वीडियो में मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल अब्दुल बारी एनिमाज़र को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को बस दोस्तों अगर करेंगे तो आपको मेरी हर जो नई वीडियो आएगी उसकी आपको हर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर काम डाउन। नंबर 10 पर है ब्लैक एप्पल्स यानी ब्लैक डायमंड्स। दोस्तों, आपने रेड एप्पल्स तो खाई होंगे और देखे भी होंगे। एप्पल्स में मोस्टली रेड, येलो और ग्रीन कलर्स में होते हैं दोस्तों, लेकिन आपने कभी ब्लैक एप्पल्स का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के रीजन नानची में तिब्बत के माउंटेन्स में ग्रो होने वाले ब्लैक एप्पल्स की। दोस्तों, ये ब्लैक एप्पल्स बहुत नायाब हैं और ब्लैक डायमंड्स के नाम से मशहूर हैं। इनका ये ब्लैक रंग दिन भर अल्ट्रा वर्ल्ड फ्रेस एब्जॉर्ब करने और रात में होने वाले टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से होता है। इनका कलर पूरा ब्लैक नहीं होता, मतलब डार्क पर्पलिश कलर का होता है। बाहर से इनका कलर डार्क होने के बावजूद ये अंदर से नॉर्मल एप्पल जैसा होता है। इसका टेस्ट आम एप्पल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। दोस्तों, ये एप्पल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये एक पैकेट में 6 या 8 एप्पल्स होते हैं और ये पैकेट करीब 3000 का होता है, यानी एक एप्पल 500 का होता है। दोस्तों, नंबर 9 पर डेकोपॉन सिट्रस। दोस्तों, संतरे तो आपने खाए होंगे, लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के मीठे संतरे खाने हैं तो इसके लिए आपको जापान जाना होगा। दोस्तों, ये संतरे सिर्फ जापान में ही ग्रो किए जाते हैं। इनको सुहू भी कहा जाता है और इनको डेकोपॉन सिट्रस भी कहा जाता है। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि सीडलेस होते हैं, अंदर से इसके पार्ट्स अलग अलग नहीं होते, कि आम संतरों के मुकाबले में काफ़ी मीठे होते हैं। दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल आम संतरों की तरह लगते हैं। इनका ऊपर का पार्ट थोड़ा सा सूजा हुआ होता है, मगर ये नॉर्मल होते हैं। डेकोपॉन सिट्रस को जापान में काफ़ी ज़्यादा महंगा बेचा जाता है। एक डेकोपॉन सिट्रस की जो कीमत होती है वो $6.60 होती है। दोस्तों, ये जापान में ये विंटर के सीजन में होते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर टायोनो टमैगो। दोस्तों, आमो का मौसम शुरू होते ही हम लोग अपने घरों पर आमों के मुख्तलिफ वैराइटीज ले आते हैं। आम मोस्टली येलो और ग्रीन कलर्स में होते हैं, मगर क्या आपने ऐसा मैंगो देखा है जो पूरा रेड हो? जी हाँ दोस्तों, ये मैंगोज जापान के शहर मियाज़ाकी में उगाए जाते हैं। इनको द एग ऑफ सन भी कहा जाता है। ये मैंगोज आम मैंगोज से टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्वीट और जूसी होते हैं। दोस्तों, एक ऑक्शन के मुताबिक 2017 में इन मैंगोज के एक पेयर की कीमत $3,744 लगाई गई थी। स्पेशल ओकेजन्स पे इन आमों को गिफ्ट्स के तौर पर एक दूसरे को दिया जाता है। इस आम को खाने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ जापान जाना पड़ेगा और जापान में शायद ही आपको ये एक मैंगो $50 से कम का मिले। सन पर है रूबी रोमन क्रैब्स। दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रैब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्रैब्स रेड कलर के होते हैं और उसको जापान के इलाके शिकावा में ग्रो किया जाता है। दोस्तों, इसके एक क्रैब के दाने के साइज एक पिंक बॉल जितना होता है। दोस्तों, इसको खाने के लिए यूज़ नहीं बल्कि वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक ऑप्शन के मुताबिक रूबी रोमन क्रैब्स के एक बंच को जिसमें 24 दाने थे, इस एक वंश को $11,000 में सेल किया गया था। ये ग्रैप्स हद से ज़्यादा मीठे और जूसे होते हैं। इन ग्रैप्स को जापान में एक गिफ्ट स्टेंच के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर सेंबिकिया कॉइन स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों, स्ट्रॉबेरीज वैसे तो काफ़ी महंगी होती हैं, मगर सेंबिकिया कॉइन स्ट्रॉबेरीज कुछ ज़्यादा स्पेशल हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में देखने को मिलेंगी। इनकी
खास बात ये है कि ये आम स्ट्रॉबेरी से हद से ज़्यादा स्वीट और जूसी होती हैं। इनकी स्किन बहुत शाइनी होती है और इनका शेप बिल्कुल परफेक्ट एक लीफ की तरह होता है। ये स्ट्रॉबेरीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ये एक बॉक्स में 12 स्ट्रॉबेरीज होती हैं और इस एक बॉक्स की कीमत $85 होती है। स्ट्रॉबेरीज को एक स्पेशल मॉल में और शेडेड एरियाज में ग्रो किया जाता है। इनको काफ़ी अर्से तक स्टोर किया जा सकता है। जापान में इनको स्पेशल ओकेजन्स पर इनको एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। दोस्तों नंबर 5 पर पाइन एप्पल फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। दोस्तों ये पाइन एप्पल दुनिया के महंगे तरीन पाइन एप्पल में से एक है। इनको इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है। इनको उगाने के लिए घोड़े की खाद और भूसी का इस्तेमाल किया जाता है। विक्टोरियन टाइम्स में इस पाइन एप्पल को स्टेटस ऑफ सिंबल समझा जाता था। दोस्तों इनको स्पेशल तरीके से ग्रीन हाउसेस में ग्रो किया जाता है। दोस्तों इस एक पाइन एप्पल की कॉस्ट $1600 है। दोस्तों नंबर 4 पर है स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों आपने और मैंने ऑब्वियसली वाटरमेलन तो खाए होंगे राउंड शेप के, पर क्या आपने कभी स्क्वायर शेप के वाटरमेलन खाए हैं? दोस्तों ये स्क्वायर वाटरमेलन सिर्फ जापान में ग्रो किए जाते हैं। इनको स्क्वायर शेप देने के लिए जापानीज फार्मर्स स्क्वायर शेप ग्लास बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। दोस्तों जापान में लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये स्क्वायर शेप वाटरमेलन तोहफे के तौर पर देना पसंद करते हैं। दोस्तों ये स्क्वायर शेप वाटरमेलन आम वाटरमेलन की तरह लाल और रसदार नहीं होते। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर डेकोरेशन के तौर पर किया जाता है। दोस्तों ये एक वाटरमेलन आपको $75 या $100 के करीब मिलेगा। दोस्तों नंबर 3 पर डेंसुकी वाटरमेलन लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको एक और बहुत रेयर और एक्सपेंसिव वाटरमेलन के बारे में बताता हूँ। इस वाटरमेलन को डेंसुकी वाटरमेलन कहा जाता है और ये जापान के आइलैंड होकाइडो में ग्रो किया जाता है। दोस्तों ये वाटरमेलन बाहर से ब्लैक होता है और अंदर से एकदम नॉर्मल वाटरमेलन की तरह रेड है। ये वाटरमेलन इतना एक्सपेंसिव होता है कि वाटरमेलन की दुनिया में ये लग्जरी कार की हैसियत रखता है। डेंसुकी वाटरमेलन दूसरे वाटरमेलन के मुताबिक ज़्यादा रसदार और मीठे होते हैं। दोस्तों साल भर में सिर्फ 100 डेंसुकी वाटरमेलन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक डेंसुकी वाटरमेलन की प्राइस $4,500 होती है। इन मेलन्स का वेट 10 kg तक पहुँच जाता है। इन मेलन्स को एक स्पेशल जापानी टेक्निक से ग्रो किया जाता है। मजे की बात है दोस्तों कि इस डेंसुकी वाटरमेलन को आम वाटरमेलन के मुकाबले में लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है। एक ऑक्शन के मुताबिक इस डेंसुकी वाटरमेलन को $6,100 में फरोख्त किया गया था और इसका वेट 17 पाउंड था। दोस्तों नंबर 2 पर है योबारी मेलन। दोस्तों ये खरबूजों की एक खास किस्म है जो सिर्फ और सिर्फ आपको जापान के आइलैंड्स होकाइडो और योबारी में देखने को मिलेगी। ये मेलन एक स्पेशल ग्रीन हाउस में ग्रो किए जाते हैं। गर्मी से बचाने के लिए इनको ढांपा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही रसदार और मीठे होते हैं। इनका शेप भी एकदम परफेक्ट होता है। दोस्तों 2018 में एक ऑक्शन के मुताबिक ये दो योबारी मेलन के पेयर को $29,300 में सेल किया गया था। एक नॉर्मल योबारी मेलन आपको जापान में $50 से $100 में आपको आराम से मिल सकते हैं। जापान में लोग इस फ्रूट को तोहफे के तौर पर देते हैं। जापान में किसी के पास इस फ्रूट का होना एक स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है। दोस्तों चाइना में एक फार्मर जिनका नाम जियांग हाओ है, इन्होंने अपने गार्डन में ऐसी नाशपातियां ग्रो की हैं जिन पर लाफिंग बुद्धा की शक्ल बनी हुई होती है। ये नाशपातियां और इनकी यूनिक लुक पूरे एशिया में तवज्जो का मरकज बन चुकी है। लोग इनको पहली नज़र में देखकर सोचते हैं कि इनको अगर इनको खाया जाए या सिर्फ देखा जाए। जियांग हाओ ने साल 2004 में पहली दफ़ा इन नाशपातियों को ग्रो किया था। इन नाशपातियों को लाफिंग बुद्धा की शेप देने के लिए
इज यंग जेंग हाउ प्लास्टिक लाफिंग बुद्धा के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं नाशवातियों को लाफिंग बुद्धा की लुक देने के लिए। जियांग जेंग हाउ ने 6 साल कड़ी मेहनत की। इन नाशपातियों की ही वजह से ये फार्मर पूरे एशिया में बहुत फेमस हो गए। सो इस एक बुद्धा शेप्ड पियर की प्राइस सिर्फ $9 है। ये नाशपातियाँ आपको चाइना के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेंगी दोस्तों। मैं तो इन पियर्स को ज़रूर खाना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको भी मेरी तरह यकीन नहीं आ रहा होगा कि दुनिया में इतने एक्सपेंसिव और लग्जरियस फूड्स भी मौजूद हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और बेल आइकन पर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी और किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।